वाराणसी में टमाटर के लिए बाउंसर लगाने वाले सपा नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज, सब्जी विक्रेता भी मुश्किल में फंसा। यूपी में देर रात 4 IPS अफसरों के तबादले, उदय भानु त्रिपाठी विशेष सचिव नगर विकास बने। 8.0 तीव्रता के भूकंप से भी सुरक्षित रहेगा राम मंदिर, प्राकृतिक आपदाओं से बचाएंगे विशेष तकनीक। अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करना होगा और भी मजेदार, क्रूज हाउस बोट की भी होगी सुविधा। लखनऊ में आज भारी बारिश की चेतावनी, मौसम को देखते हुए जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने लखनऊ के लोगों से अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की अपील की। यूपी में बिजली गिरने से 17, पानी में डूबने से 12 और अंतिवृष्टि से 5 की मौत, सीएम योगी ने जताया शोक। यूपी के बिजनौर में भारी बारिश का अलर्ट, डीएम ने दिए 10 और 11 जुलाई को स्कूल बंद रखने के निर्देश। कानपुर से आया अजीबोगरीब मामला, मजदूरी करके पति ने पढ़ाया, नौकरी लगने के बाद पत्नी बोली, तुम काले हो, स्टेटस मैच नहीं करता। ग्रेटर नोएडा को मिला नया CEO, रितु माहेश्वरी को हटाकर IAS रवि कुमार को मिला पदभार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, बीजेपी सरकार तानाशाही को दे रही बढ़ावा, झूठी बयानबाजी, खुलती जा रही पोल। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल V News को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।